अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हामिद दुरानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हामिद। फ्रेंड, आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अपने वीडियो के जो साइज़ है उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, उसमें वीडियो का जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, उसको कैसे हम अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो मैं कुछ फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। वो उन्होंने कई वीडियोस पे मैसेज किए थे कि ये जो हम जब फिल्मोरा पे वीडियो एडिट करते हैं तो वो जो है हमारे पास क्लियर नहीं आती, यानी जब हम उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है उसका जो साइज है वो ख़राब हो जाता है और अच्छे से डिस्प्ले नहीं होती। तो फ्रेंड, ये उन दोस्तों के लिए है जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि हमने कैसे अपने वीडियो की जो है उसको बेटर बनाना है और कैसे जो है उसको अच्छे से अपने पास एक्सपोर्ट करना है। तो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। फ्रेंड, सबसे पहले तो आपने वंडरशेयर फिल्मोरा जो है, अपने जो फिल्मोरा जो है इसको जो है ओपन करना है। और उसके बाद यहाँ पर ये मुख्तलिफ से उन्होंने बताए हमें 9.16 है या 1.16.9 है, ठीक है। तो आपने जो सबसे फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये कर देना है, ठीक है, 1.16.9 जो है इसको कर देना है। उसके बाद फुल फ्यूचर मोड पे कर देना है। जैसे ही आप फुल फ्यूचर मोड पे करेंगे तो यहाँ पर हम मतलब कोई भी, यहाँ से आपको पता ही होगा इंपोर्ट करना है और उसके बाद वीडियो इंपोर्ट। अब मैं कोई भी वीडियो एक उठा लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये वीडियो उठा ली। अभी इस वीडियो को उठाने के बाद इसको मैंने फुली जो है क्रिएट कर देना है, उसको मैंने फुल से एडिट कर देना है। जो मैं इसमें डालना चाहता हूँ, इसमें मैं टेक डालना चाहता हूँ, इसमें मैं टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, इसमें मैं ट्रांजेक्शन डालना चाहता हूँ, एनीथिंग जो भी आप इस पर करना चाहते हैं फुल एडिट कर लेना है। उसके बाद जो है मैं नेट ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि ये फिर लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा। अच्छा फ्रेंड, एक्सपोर्ट कर लेना है इसको सारा कुछ करके, एडिट करके। जैसे कि मैंने ये एडिट कर लिया, मैं इस पे ये मतलब टैग भी लगा देता हूँ। उसके बाद जो है मैं और भी कुछ लगा देता हूँ, पिक्चर इसके साथ, एनीथिंग जो भी आप लगाना चाहते हैं, कोई और वीडियो साथ में ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगा एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे क्रिएट वीडियो पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड, जो हमारी मेन चीज़ आती है वो यहाँ पर आती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ज़्यादातर जो है यूज़ करते हैं MP4 ही, मतलब बेटर है, बेस्ट है। तो उसके बाद जो है आ जाता है नेम। नेम आप वीडियो को जो भी देना चाहते हैं, और सेव टू, मतलब कि आपको इस वीडियो को किस जगह पे सेव करना है, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे हुआ है तो मेरा डेस्कटॉप ही ठीक है, यानी डेस्कटॉप पे मैं इसको जो है सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेटिंग। सेटिंग में सबसे मेन जो चीज़ है वो है रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन है। और उसके बाद जो है हमने इस पर क्लिक करना है और इसको 1920 और 1020, ठीक है, 1920 और 1020 पे क्लिक कर देना है। ये 1920x1080 इस पर क्लिक करके जो है, कहाँ चला गया, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है कि हमने बिट रेट कितना रखना है। बिट रेट 3000 बेस्ट है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट जो है हम 29.79 FPS रख देते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा जो काम है यहाँ से हो चुका है। और यहाँ पर जो है लास्ट में हमने बेस्ट पे क्लिक कर देना है। बेटर है, गुड है, बेस्ट है। बेस्ट पे क्लिक करने के बाद हमने ओके कर देना है। ये हमारी जो फुल सेटिंग थी वो हो गई है। अब जब भी आप वीडियो कोई क्रिएट करेंगे, कोई भी वीडियो आप सॉरी एडिट करेंगे और वो आप अपने पास सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि उसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई मसला नहीं आएगा। अगर फिर भी आपके साथ कोई मसला पेश आता है, कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप जो है मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं और इंशाल्लाह उसका हल भी मैं आप लोगों को निकाल के दूँगा। तब तक के लिए, और फ्रेंड एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।